हेलो स्टूडेंट्स, मौसवी एंड क्लर्क, सब्जेक्ट साइकेट्री। क्वेश्चन नंबर है 92। द नर्स मोनिटर्स ए क्लाइंट विद क्रोनिक अनडिफ्रेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ एन एंटी साइकोटिक ड्रग फॉर विच पोटेंशियल इररिवर्सिबल एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट शुड द नर्स मोनिटर द क्लाइंट। टॉर्टिकोलिस, ऑक्युलोगायरिक क्राइसिस, टार्डिव डिस्काइनेजिया, स्यूडो पार्किंसोनिज्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से आंसर दें। क्रोनिक अनडिफ्रेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया का केस है और नर्स मॉनिटर कर रहे हैं साइड इफेक्ट। किस चीज के साइड इफेक्ट? एंटी साइकोटिक ड्रग जो इस क्लाइंट को चल रहे हैं उनके साइड इफेक्ट। और पोटेंशियली कौन सा एक्स्ट्रा पिरामिडल इररिवर्सिबल साइड इफेक्ट नर्स मॉनिटर करेंगे? चार ऑप्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गाइड में भी कई बार साइकेट्री में ही चार चार पाँच पाँच बार दिया हुआ है। हमेशा मैं आंसर बता रहा हूँ इसका, इररिवर्सिबल वर्ड पे फोकस करें। इररिवर्सिबल दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक नहीं हो सकता। एक बार अगर ये साइड इफेक्ट, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट हो गया तो ये ठीक नहीं हो सकता। और राइट आंसर क्या है? ये भी ठीक हो सकता है, ये भी, दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल। बट टार्डिव डिस्काइनेजिया जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग लॉन्ग टर्म खाने की वजह से, लॉन्ग टर्म लगातार परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म थेरेपी की वजह से पैदा होता है, जिसमें हेड का सडन ड्रूपिंग हो जाना, प्रोट्रूजन ऑफ टंग का बाहर आ जाना, पफिंग ऑफ चीक्स, इस तरह के इररिवर्सिबल साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं जो लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं। इसका आंसर है टार्डिव डिस्काइनेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ए एम ए ओ आई इज प्रेस्क्राइब टू ए क्लाइंट, व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सन, इंजेस्टिंग वाइन एंड एज्ड चीज, इंगेजिंग एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइजेज, ओवर द काउंटर एनसेड मेडिकेशन। 6-7 बार हम इसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बार बार एक ही चीज आ रही है। बट क्योंकि हम सीरीज वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन फिर से हमने डिस्कस किया है। जल्दी से आंसर लगा दें। एम ए ओ आई मेडिकेशन चल रही है, कौन सी ड्रग होती है एम ए ओ आई? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। किस कैटेगरी की ड्रग है? एंटी डिप्रेसेंट। आंसर लगाएं जल्दी से, एंटी डिप्रेसेंट। प्रेस्क्राइब की है नर्स, क्या चीज अवॉइड करने के लिए कहेंगे क्लाइंट को इन चारों में से? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सन, कल भी एक वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, लास्ट वीडियो में। एक्सपोजर ऑफ सन, फिनोथियाजाइन या कोई भी एंटी साइकोटिक ड्रग लिख देता हूं, एंटी साइकोटिक ड्रग सन एक्सपोजर या सनबर्न से फोटो सेंसिटिविटी करती हैं, तो ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि यहां तो एंटी डिप्रेजेंट है जबकि एंटी साइकोटिक से होता है सनबर्न। डायरेक्टली आंसर पे जा रहा हूं, कई बार ये चीज आ चुकी है कि वाइन चीज़, एज्ड चीज़, चॉकलेट, अल्कोहल, जिसमें टायरामिन पाया जाता है, वो डाइट हमें अवॉइड करनी है एम ए वाई के साथ। कंपटीशन एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। टायरामिन एमिनो एसिड जो होता है, ये हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इस एम ए वाई के साथ, जरूर याद रखना है, ठीक है? द राइट आंसर इज बी। क्यों है कॉन्ट्राइंडिकेटेड? क्योंकि ये भी टायरामिन डेरिवेटिव ही हैं, ये भी टायरामिन, टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। फॉर द पास्ट 5 डेज ए क्लाइंट हैज बीन रिसीविंग ट्रेनिल साइप्रोमाइन, ठीक है, 10 mg BD इन मेजर डिप्रेशन। दिस मॉर्निंग क्लाइंट रिफ्यूजेज द मेडिकेशन, स्टेटिंग इट डज नॉट हेल्प, सो वट इज द यूज ऑफ टेकिंग इट? वट रेस्पॉन्स गिवन बाई द नर्स टू द क्लाइंट? इट टेक्स 6-8 weeks फॉर दिस मेडिकेशन फॉर इफेक्ट,
समटाइम इट टेक्स 2 to 4 weeks टू सी एन इम्प्रूवमेंट. यू शुड हैव फेल्ट ए रेस्पॉन्स बाई नाउ. आई विल नोटिफाई योर फिजिशियन. आई विल टॉक टू फिजिशियन अबाउट इंक्रीजिंग द डोज एंड दैट विल हेल्प. सोच लीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए आंसर देते रहिए. 5 दिन से कौन सी ड्रग चल रही है क्लाइंट के? ट्रेनाइल साइप्रोमाइन. नहीं पता अगर कि कौन सी है, तो एक चीज़ हिंट के लिए लिखी हुई है कि क्लाइंट को किस चीज़ के लिए चल रही है, डिप्रेशन के लिए. यानी कौन सी ड्रग होगी? एंटी डिप्रेशेंट. इस मॉर्निंग क्लाइंट मना कर देता है मेडिकेशन खाने से, रिफ्यूज़ कर रहा है. क्या कह रहा है? इट डज नॉट हेल्प. ये दवाई मदद नहीं करेगी, ये दवाई किसी काम की नहीं है, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? तो इसको क्यों खाया जाए? इस कंडीशन में नर्स क्या एक्शन बताएगी क्लाइंट को, यानी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का हो सकता है, वो बताएंगे. ये ड्रग 6 से 8 हफ्ते ले सकती है मेडिकेशन का इफेक्ट आने में. कभी कभी इट टेक्स 2 to 4 weeks टू सी एन इम्प्रूवमेंट. यू शुड फेल्ट रेस्पॉन्स बाई नाउ. आपको अभी रेस्पॉन्स पता लग जाएगा और मैं नोटिफाई करवाऊँगा आपके फिजिशियन को. और आई विल टॉक टू फिजिशियन, मैं आपके फिजिशियन से बात करूँगा इंक्रीजिंग द डोज, ताकि आपकी डोज बढ़ाई जा सके, क्योंकि 10 mg BD चल रही है. चलिए बताइए. तो देखिए, मेजर डिप्रेशन और वो मना कर रहा है ड्रग खाने से, तो इसका डोज से कोई रिलेशन नहीं है. तो डी आंसर हो गया गलत. रेस्पॉन्स तुरंत फील करोगे बाई नाउ. बाई नाउ अभी क्या दवाई खाते ही अभी रेस्पॉन्स आ जाता है किसी भी ड्रग का? नहीं, थेराप्यूटिक लेवल पहुंचने में समय लगता है. इट टेक्स 6 to 8 weeks फॉर दिस मेडिकेशन फॉर इफेक्ट. 6 से 8 हफ्ते में इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है. 6 से 8 हफ्ते में तो मैक्सिमम इफेक्ट आ जाएगा. इसका जो इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा एंटी डिप्रेजेंट का, कितने टाइम में हो जाता है? 2 to 4 weeks. 8 हफ्ते तक तो मैक्सिमम डिजायर्ड इफेक्ट आ जाते हैं. तो राइट आंसर क्या हुआ कि समटाइम इट टेक्स 2 to 4 weeks टू सी एन इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95. द नर्स अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट पोटेंशियल डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट इज. मोस्ट पोटेंशियल डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. माइड्रियसिस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन. फोकस ऑन दैट वर्ड, मोस्ट डेंजरस पोटेंशियल साइड इफेक्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं. पहले एलिमिनेट करें जो बिल्कुल नहीं लग रहा. देखिए, आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं डेंजरस. तो सबसे पहले तो इसमें से जो डेंजरस नहीं है उसे एलिमिनेट कर दें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये डेंजरस नहीं है, ड्राई माउथ, तो इसको हटा देते हैं. कॉन्स्टिपेशन भी मोस्ट पोटेंशियल डेंजरस साइड इफेक्ट, नहीं लग रहा है ऐसा कुछ. ठीक, अब 2 बचे. इन दोनों में से हम एक हिंट ढूंढ सकते हैं. और हिंट क्या है? यूरिनरी रिटेंशन और माइड्रियसिस में ऐसा साइड इफेक्ट जो रिवर्सिबल है, यानी जिसके इफेक्ट जो है वो ठीक किए जा सकते हैं. जैसे ड्राई माउथ ठीक किया जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक किया जाता है, और यूरिनरी रिटेंशन भी ट्रीटेबल है, रिवर्सिबल है, इसको ठीक किया जा सकता है. बट माइड्रियसिस का मतलब क्या होता है? डायलेटेड प्यूपिल डायलेशन, जिसकी वजह से अक्यूट अटैक ऑफ क्या, ग्लूकोमा, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है. अक्यूट ग्लूकोमा हो सकता है, और ग्लूकोमा आप जानते हैं
नॉट रिकवरेबल. सो दैट इज द मोस्ट पोटेंशियल डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट. द राइट आंसर इज ए. इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे एंड गुड लक.